नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार सियाग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक अनोखा म्यूजियम। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मैं सूर्य प्रकाश बंसल, सरदार शहर, और हमने ये फार्म हाउस में ही काम चालू किया है क्योंकि सिटी में इतनी जगह मिलनी मुश्किल रहती है। तो ये अपना सरदार शहर से जयपुर रोड पे, सरदार शहर से 11 किलोमीटर चलने के बाद में लेफ्ट हैंड को आता है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा है। बेसिकली काम फर्नीचर बनाने का है। ओके। और छोटे गिफ्ट आइटम भी बनाते हैं। ये जो आपने म्यूजियम बनाया है, इसके अंदर क्या क्या आइटम है? सर, म्यूजियम में सभी वो पुरानी चीज़ें हैं जो अपन पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, और बहुत से ऐसे आइटम हैं जो फॉरेन से आते थे, अंग्रेज़ों के टाइम के हैं। अंग्रेज़ लोग वो लेके आए आइटम वहाँ से, और यहाँ पे राजा लोगों को गिफ्ट में दे के उनको बहला फुसला के, वो जो नई टेक्नोलॉजी थी वो उनको दी और बहला फुसला के और उनका साम्राज्य तक हड़प लिया उन चीज़ों से, ऐसो आराम से इंग्लिश दारू पिला के और गिफ्ट दे के, और उनको जैसे भी अपनी दिमाग से और पूरा शासन उनका हड़प लिया। ओके। किसी को डरा के हड़प लिया, किसी को गिफ्ट दे के हड़प लिया, किसी से झगड़ा करके हड़प लिया। तो अभी आइटम देखेंगे? ज़रूर ज़रूर सर, क्योंकि हमारे जो दर्शक है उनकी चाहत ये भी है कि जो भी आइटम वो पूरी डिटेल के साथ में बताएं। ज़रूर सर, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो चलो चलते हैं फिर। आइए सर, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। ओके। कुछ लाइट्स ऑन कर देता हूँ। अब आप अपने दर्शकों को ये सभी आइटम दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें जो स्पेशल आइटम होंगे उनकी अपन डिटेल बताएंगे, नॉर्मल आइटम्स आप दिखा सकते हैं। तो ये जो आप आइटम है, ये टोटली आइटम इकट्ठा कहाँ से किया है आपने? सर, हम ये घूम घूम के इकट्ठा करते हैं, घरों में से, किलों में से, हवेलियों में से ये आइटम हम इकट्ठे करते हैं और फिर उनकी कॉपी करके नया भी बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये नया बना हुआ पीस है ग्रामोफोन। हाँ। ये इसका रिकॉर्ड है, सीडी कैसेट। हाँ, सिर्फ इसमें ये पुराना है, बाकी सारा नया है। और इसका जो ओरिजिनल पुराना पीस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी कॉपी करके हम नया बना लेते हैं। ये चालू है, ये बिक्री सेल के लिए, और जो पुराना ओरिजिनल है उसको हम अपने म्यूजियम में ही पास में रखेंगे। रखते हो आप। बिल्कुल, आइए वो पुराना भी आपको दिखाता हूँ। बहुत कीमती सामान है इसके अंदर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये आप टेबल के कोणों का ध्यान रखना, ये थोड़े तीखे हैं कोने। इसको चलाने के लिए बिजली की या सेल की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से अपन चाबी भरेंगे। ये उस जमाने की चीज़ें हैं जब इलेक्ट्रिक या बैटरी का आविष्कार नहीं हुआ था, और उसी ज़माने में ऐसो आराम के खूब साधन थे, इंजॉय के भी। हाँ जी, हाँ जी। अब आप इसका आनंद ले सकते हैं। आवाज भी काफी ज्यादा है, आप सुनिए। क्या बात है। ऐसे चलता ही रहेगा, ये पूरा सॉन्ग चलेगा। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। आप देखेंगे ये क्लॉक्स है, दोनों साइड टाइम दिखाएगी, दोनों साइड। हाँ, इसको स्टेशन क्लॉक बोलते हैं। ये भी नकल करके, पुराने की कॉपी करके नई बनाई हुई है। ओके। जिस तरह से आप देखेंगे कि ये पुरानी इलेक्ट्रिक वॉच है, ये बिजली से चलेगी, वायर नीचे लटक रहा है, आप देखेंगे। हाँ, इसमें मेड इन USA या जो भी है लिखा हुआ है। ओके। 1961। और जो आप ऊपर देख रहे हैं फोटो में, वो सभी पुराने ज़माने की है। मैं सिर्फ आपको एक फ़ोटो के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जो ये आप देखेंगे लक्ष्मी जी की फ़ोटो। हाँ जी। कमल पे लक्ष्मी जी विराजमान है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी उसके प्रिंट निकले हुए हैं। वो एक राजा भी था और पेंटर भी था। फिर उसकी जब पेंटिंग है वो खूब मशहूर हुई, तो उसने अपनी प्रेस लगा के उसके प्रिंट निकाल दिए। प्रिंट निकालने के बाद में इस फोटो के ऊपर कपड़े का वर्क और चांदी का वर्क किया हुआ है। तो ये बहुत ही नायाब चीज़ है, राजा रवि वर्मा। इसके बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं।
ये आटा चक्की हम नई बनाते हैं, ये सिर्फ ब्याह शादी में रस्म रिवाज में काम आएगी, पिसाई नहीं करेगी, लेकिन इसकी जो सुंदरता है वो देखने में लाजवाब है। और ये हमारी आटा चक्की संगरिया गई थी, वसुंधरा जी की मीटिंग थी, दमयंती जी बेनीवाल ने वसुंधरा जी को गिफ्ट की थी ये आटा चक्की। ओके ओके। फिर आप देखेंगे एक केरोसिन तेल से चलने का फैन है, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ अभी। मिट्टी के तेल से चलता है। मिट्टी के तेल से, मिट्टी का तेल हो, इसको आग की जरूरत है, आप स्प्रिट से चला सकते हैं, पेट्रोल से चला सकते हैं। अच्छा, इसको हीट की जरूरत है, हीट कैसे देनी है वो अपना आउटलुक है। अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से चलता है, 2 मिनट लगेंगे इसको स्टार्ट होने में। ओके, ओके। जैसे इसका पिस्टन गर्म होएगा तब ओके। ये चलेगा, आप देखें जरा। इसमें सिस्टम क्या होता है चलने का वैसे? इसमें जो रेल के इंजन में सिस्टम होता है वही सिस्टम इसमें है। स्टीम इंजन, स्टीम नहीं है इसमें, ये हॉट एयर है। अच्छा अच्छा। स्टीम के लिए अब मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर लूं चलने के लिए, ताकि अपना समय की बचत हो जाए। ओके ओके। गर्म नहीं हुआ अभी? गर्म अभी हुआ नहीं है, अपने को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। होने दो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो गर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये सारा पुराना सामान है। ओके, ओके। पुराने रेडियो हैं, पुरानी घड़ी है, सब चालू कंडीशन में है सबके। और एक चीज बहुत ही स्पेशल है, आप जरा बता पाएंगे कि ये उल्लू क्या चीज है? ये उल्लू जैसा बना हुआ है भाई साहब, आप जो आए हैं बता पाएंगे क्या चीज है? आप देश दुनिया घूमते हैं। घूमते जरूर है, क्या बताएं? ये क्लॉक है। अच्छा अच्छा। क्लॉक है और इसकी जो आंख है उसमें आप देख पाएंगे कि स्टार्स बने हुए हैं, बने हुए। और ये अब जो टाइम बता रही है 6:45, अब टाइम बता रही है, ये टाइम बता रही है। अभी इसमें चाबी नहीं भरी हुई है, चाबी भरते ही ये चालू हो जाएगी और इसकी आंखें धीरे धीरे घूमेगी। अगर रूम में पड़ी है तो कोई भी दूसरा नया आदमी आपको टाइम नहीं बता सकता, चाहे आप उसको लाख रुपए का इनाम रख दें वो टाइम नहीं बता पाएगा। अगर आपके रूम में ये घड़ी रखी है तो जिसको पता है वही देख पाएगा। बिल्कुल सही बात आपकी। फिर आप, मैं आपको ये एक पुराना कैमरा दिखाना चाहूंगा। ये कितना ईयर पुराना? ये ऐसी चीजें हैं कि इनका मेरे को भी नहीं पूरा आइडिया कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा अच्छा। देखें आप, इसके लिए कुछ बटन है, मैं अभी बटन को यूज करूंगा। ये बटन, ये देखिए आप। ओके ओके। ये इस तरह से, ये कैमरा लेंस देखो इसका, देखो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं किस तरह का कैमरा है। फिर इसको बंद करने का, इनको सबको ऑपरेट करने का भी बहुत दिमाग में रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। वरना मैं भूल जाता हूँ कि कैसे ऑपरेट होगी ये सब चीज़ें। आप देख सकते हैं कैमरे की सुंदरता, और लगभग ये सब चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है। मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ। अब पहले अपन जो फैन बीच में रह गया था उसको देखेंगे। और ये पुराने ज़माने का सेंट टाइमर है, इसमें ये मिट्टी नीचे आएगी। ये अपने को दिखाया गया था झांसी की रानी सीरियल में। और जब नेल्सन से वो मिलने के लिए गई थी झांसी की रानी, तो उसने बोला था कि अब नेल्सन तेरा टाइम, जितनी इसमें मिट्टी नीचे आएगी उतना ही टाइम है तेरे पास। तो ये इस तरीके की सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी। मैं आपको सभी आइटमों के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा। अब आप देखेंगे फ़ैन चालू हो गया है अपना, और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी स्मूथली। हवा आ रही है? हवा तो आनी है भाई साहब। मैंने उसमें, हो सकता है तेल कम हो या हीट कम बन रही हो, स्मूथली चलेगा, स्मूथली हवा देगा। अच्छा, आप देखेंगे फॉरेन के बने हुए टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट, रूज, पॉन्ड्स, इस तरह के चीज़ें हैं। और ये चौसर जो महाभारत में गेम दिखाया गया था, जिससे पूरा महाभारत इसी चौसर के ऊपर आधारित है। इसके, इसको वैसे तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता घर में रखना, क्योंकि इससे पूरा परिवार ख़त्म हो गया था, और पुराने ज़माने का लूडो अपन कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का गलत यूज़ करें तो वो गलत है, अगर उसका चीज़ का यूज़ अपन सही तरीके से करें तो बहुत अच्छी बात है, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे पीछे नाव जैसा कुछ रखा हुआ है, वो नाइट लैम्प है, उसके अंदर बल्ब है, वायर है, बिजली से जलेगा, और जो जाली है उसमें से रोशनी बाहर आएगी। नीचे आप देखेंगे ताले, जो बड़े बड़े साइज़ के लंबे लंबे रखे हुए हैं वो भी ताले हैं, और वर्किंग कंडीशन है, और कुछ छोटे ताले हैं, कुछ फॉरेन के बने हुए हैं, कुछ इंडिया के बने हुए हैं, ये सब चीज़ आप देख पा रहे हैं।
फिर आप, मैंने आपको गन पाउडर का बताया था, वो आप कांच के बर्तन में देखेंगे तो गन पाउडर रखा हुआ है, पास में गोलियां रखी हुई है जो हाथ से बनाई जाती थी, हैंडमेड बंदूक की गोलियां, कुछ का साइज बड़ा है कुछ का छोटा है, किस तरह से यूज करते थे वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। फिर आप देखेंगे बेबी सिनेमा लिखा हुआ, गत्ते के बॉक्स में कैमरा है जिसमें रील डाल के और तरह तरह की फोटोएं, हीरो हीरोइन की फोटोएं देखी जाती थी, बहुत ही बढ़िया नायाब पीस है, पुराने ज़माने के मनोरंजन का साधन है। आप देखेंगे तोलने का वेट मशीन, इधर से दिखाएंगे, वेट मशीन है, ये सब पुराने बर्तन हैं। ये स्टोव बाहर का बना हुआ, एकदम अलग कलाकृति है, फॉरेन का बना हुआ स्टोव है इस कोने में, आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे ऊपर ये स्टाम्प पेपर, अलग अलग तरह के, छः आने का स्टाम्प पेपर है, और इसके नीचे दो आना, एक आना, इस तरह के स्टाम्प पेपर है। पास में आप देखें डाक टिकट्स हैं जो एक आना, डेढ़ आना, जिसपे अंग्रेज राजाओं की भी फोटो है, स्टेट टाइम की भी है, जयपुर राजा की भी फोटो है। आप देखेंगे आचार्य भिक्षु का भी डाक टिकट है, आगे गांधी जी का डाक टिकट है, बहुत तरह तरह के डाक टिकट है, अपन ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। नीचे फिर आप देखेंगे बाट, अलग अलग तरह की बाट, ये बाट सबसे पहले आप दिखाएंगे दर्शकों को, जिस पे लिखा हुआ है बॉम्बे 3 शेर, जबकि उसमें वजन 1 किलो से भी कम है, हर जगह का तोलने का सिस्टम अलग अलग था। फिर आप देखेंगे दो स्नैक जैसे बने हुए सांप, ग्वालियर का बाट है। फिर आप देखेंगे ये गोल बाट जो रखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है राजश्री बीकानेर, बीकानेर दरबार का बाट है। ये जो 8 कोने के बाट हैं, ये इन पे लिखा हुआ है राज सवाई जयपुर, ये जयपुर दरबार के बाट हैं। जो चौकोर बड़ा बाट रखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है रियासत बूंदी, वो बूंदी का बाट है। फिर आप देखेंगे कि खरबूजे के शेप में कुछ पीस रखे हुए हैं, ये भी बाट है। तोलने के बहुत अलग अलग तरह के साधन थे जिनको आप देख सकते हैं। फिर ये, फिर बारातियों पे इत्र छिड़कने के लिए एक आकृति बनी हुई है, मशीन बनी हुई है, एक तरीके का फाउंटेन है फुहारा, जिसे बारातियों पे इत्र डाला जाता था, स्वागत किया जाता था। छोटे छोटे टॉयज हैं, नीचे छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, फिर बॉक्सेज हैं। फिर आप देखेंगे लकड़ी का टी सेट बना हुआ, नारियल की लकड़ी का, इधर से दिखाएं दर्शकों को, बहुत ही नायाब चीज़ है, मैंने पहले कभी नहीं देखी इस तरह की लकड़ी, नारियल की लकड़ी से पूरा टी सेट बना हुआ है। ये मेरे को मेरे मामा जी से मिला है, बहुत उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मेरे को ये सजाने के लिए दिया। फिर आप देखेंगे तरह तरह के सिगरेट बॉक्स हैं जो फॉरेन के बने हुए हैं, इन पे मैप बना हुआ है इंडिया का, वो अखंड भारत जिसका मैप आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, जिसमें चाइना, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका सभी भारत में ही थे। बर्मा, रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन, तो वो रंगून भी भारत का हिस्सा था, और रंगून के बारे में मैं कुछ आपको फिर से बताऊंगा। और आप ये देख पाएंगे वाइन बॉटल लकड़ी की बनी हुई बैरल शेप में, और इसमें शराब डलती थी, नीचे म्यूजिक सिस्टम था, नल खोलते ही म्यूजिक चलता था, फिलहाल इसका म्यूजिक सिस्टम खराब है, तो ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी आपको। ये जो हम नया वुडन फर्नीचर तैयार करते हैं वो आप देख पाएंगे यहाँ पे, उसमें ज़्यादातर आइटम है वो एंटीक लुक है, उनको पुराने जैसा रूप दिया गया है। ओके ओके, यहाँ से आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं वैसे? ये बैंगल बॉक्स है, चूड़ियाँ रखने के काम आएगा, बहुत ही सुंदर चीज़ है। फिर आप देखेंगे ये भी बैंगल बॉक्स है, ये बड़े संदूक है, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम के ऐसे ही होते थे, मेरे ऐसे ही होते थे, उन्हीं को हम कॉपी करके बना रहे हैं। और इनमें इतना वजन है कि इनको उठा पाना मुश्किल है, इनके नीचे व्हील यूज किए गए हैं, जिससे कि अपन इसको सफाई के लिए या रूम चेंज करना हो, जगह चेंज करनी हो, तो अपन यूज कर सकते हैं। साथ में आप ये अलमीरा देख सकते हैं, कपड़ा रखने की अलमीरा है, जबरदस्त है। और ये सभी, ये क्या है? ये सर वॉल हैंग है, अपन कोई भी एरो की जगह इसको यूज कर सकते हैं, दीवार पे टंगा के, कुछ अंदर शोपीस या छोटी बुक्स वगैरह भी अपन रख सकते हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपको एक बार कैबिनेट दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे ये बार कैबिनेट, और अभी इसकी जो विशेषता है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज करने के बाद में अपन इस तरह से इसको कॉम्पैक्ट स्मॉल, और अगर किसी को अपने को सर्व नहीं करना है तो अपन इसको घर में बंद करके रखेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अपन ने घर में क्या रख रखा है,
जिसको अपने को ओबलाइज करना है, जिसको पिलानी है, उसी के सामने खोलेंगे। बाद बाकी ये पूरा ऊपर खुल के अब आपका काउंटर बन जाएगा। इसमें आप साथ में बार चेयर्स की भी यूज कर सकते हैं, चेयर्स का भी। ये आपका पूरा काउंटर बन गया। ये छोटी सी गाड़ी बना रखी है आपने। हाँ, ये इस तरह के तो और भी मैं आइटम आपको दिखाऊंगा। ये एक बार बॉक्स है कार में यूज करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये आप देखेंगे इस तरह से ये खुलेगा, ये इसका पोर्शन है, ये टेबल बन जाएगा। और इसको अपन कार में यूज करते कर सकते हैं। कार की डिक्की में ये बार बॉक्स और इसके नीचे का टेबल जस्ट अलग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और दो फोल्डिंग चेयर, तो अपन कहीं भी इसको यूज करके और पूरा आनंद उठा सकते हैं। और ये वाला बेड है, ये डाइनिंग टेबल है सर। अच्छा, देखें जरा कितनी इसकी सुंदरता, बहुत जबरदस्त लुक है इसका, आप देख सकते हैं। और इसकी मजबूती का भी पता चलता है कि अगर देखने आप से ही पता चल रहा है वो तो नहीं, आप थोड़ा सा हाथ लगा के इसको छू के उठा के देखें, नीचे नीचे हाथ डाल के कि आप उठा पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ हाथ डाल के नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस तरह से इनमें कई क्विंटल वजन है, इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कौन सी लकड़ी यूज करते हैं ये सर? सारा शीशम है, टाली की लकड़ी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, और किसी भी अगर कोई अलग लकड़ी, पहली बात तो यूज़ नहीं करते, और अगर करते हैं तो कस्टमर को बताते हैं, उसका रंग रूप अलग ही रहता है। अच्छा, फिर एक और स्पेशल जो कला है जो आगे आने वाले टाइम में लुप्त हो जाएगी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो वर्क है वो आगे आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ये सारा हैंडवर्क है, आप देखेंगे कि एक एक फूल और पत्ती कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। फिर आप देखेंगे ये सारा ब्रास वर्क है, लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल, हम इसको कोशिश कर रहे हैं जिंदा रखने की। ये आप देखेंगे इसके अंदर की सुंदरता, जबरदस्त। ये सब पुराने राजा महाराजा की महलों में इस तरह के बॉक्स हुआ करते थे, जिनको हम कोशिश रख रहे हैं जिंदा रखने की। आप देखेंगे अब ओंखली मुसल, ये ओंखली है, ये मुसल है, इसको अपन यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अपन सब चीज में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, टाइम लग जाएगा उसमें। अपन नेक्स्ट आगे चलेंगे। और जो अलमीरा मैंने आपको दिखाई थी कपड़े रखने की, उसमें नीचे व्हील लगे हुए हैं। अच्छा, अंदर एक सीक्रेट लॉकर बना हुआ है जिसको जल्दी से खोज पाना भी मुश्किल रहेगा। अच्छा अच्छा, इस अलमीरा में एक सीक्रेट लॉकर बना हुआ है काफी बड़े साइज का, जिसको आम आदमी नहीं ढूंढ पाएगा। आप देखेंगे एक छोटी सी हट बनाई है, गर्मी में ठंड का आनंद लेने के लिए गोबर मिट्टी से बनी हुई है। ये सब पत्थर पुराने हैं, यहाँ पे दीपक जलाते थे। आइए, और आप देखेंगे स्विच बोर्ड सबसे पहले पुराना। और अपन ने एक गलती कर दी छोटी सी, गेट कीपर को अपन ने परमिशन नहीं ली एंट्री के लिए। ये गेट कीपर है, पहले इसे अपन परमिशन लेंगे। भाई साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी, वेलकम, आइए। ठीक है, अब आप देखेंगे चूल्हा, फिर मिट्टी का हुक्का, फिर पुराने बर्तन, किस तरह से सभी चीज़ें यूज़ होती थी। ये तख्त आप देख पाएंगे किस तरह से नक्काशी किया हुआ, और मेरे हिसाब से उम्र भी इसकी 500 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे लालटेन, क्योंकि जिस चीज़ पे कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में अपन श्योर बता सकते हैं, मेड इन जर्मनी। आप देख सकते हैं उस वक्त लालटेन भी इम्पोर्ट होती थी। और एक आजकल बच्चे पूछते हैं, मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बना है? अरे बेटे, ब्रेकफास्ट में जो रात को रोटियां बची थी वो इसमें रख देते थे, और सुबह दूध और दही में चूर के खा लो, वही ब्रेकफास्ट होता था। अभी पूछते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या बना है मम्मी? तो ये पुराने ज़माने का ब्रेकफास्ट टिफ़िन था, जो रात को रोटी बच जाती उसको इसमें डाल के कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए, प्लस हवा लगेगी आपकी रोटी ख़राब नहीं होगी, और सुबह ब्रेकफास्ट होता था। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो 3 पार्टों में आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।